संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। राज्यसभा में जबरदस्त बवाल के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वो राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और क्या कुछ हुआ आज संसद में देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। आज राज्यसभा लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सांसद सवाल पूछ रहे थे और इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय चेयरमैन की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। वो आसन की तरफ हाथ किए हुए थे। सभापति लगातार संजय सिंह को अपनी जगह पर जाने के लिए कह रहे थे। जब संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए तो सभापति ने कहा, आई टेक द नेम ऑफ संजय सिंह। उन्होंने कहा कि संजय सिंह का मैं नाम लेता हूँ। इस दौरान सभापति सदन में नेता पीयूष गोयल की तरफ देखने लगे। गोयल ने कहा कि संजय सिंह की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। खबरों की माने तो केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सभापति से संजय सिंह की शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है और पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। राज्यसभा में भी मणिपुर को लेकर माहौल गरमाया हुआ दिखा। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया। हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष खासा हमलावर है। विपक्षी सांसदों ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मणिपुर की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री से घटना को लेकर संसद में बयान देने की मांग भी की। डीबी लाइव की रिपोर्ट।